जम्मू कश्मीर की बात जल्दी से कर लेते हैं, उससे पहले जो हमारे दर्शक हैं उनका परिचय यहाँ पर मौजूद पैनल से भी करा देते हैं, क्योंकि हम तो इस वक्त सुनील जी मुझे जो पता चला है आप जम्मू से मौजूद हैं, लेकिन हम लोग श्रीनगर पहुंच गए हैं स्टूडियो बैठे बैठे। हमारे साथ चार खास मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं, विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजय कुमार जी को डायरेक्टर लोक नीति CSDS के, जो कि नंबर्स को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, वो एग्जिट पोल के आंकड़े जो हम दिखाएंगे उसको एनालाइज करेंगे क्योंकि उनका भी ग्राउंड सर्वे हुआ होगा, आशुतोष जी वरिष्ठ पत्रकार और एनालिस्ट के तौर पर पूर्व राजनेता के तौर पर भी हमारे साथ चर्चा में शामिल रहेंगे, और संगीत रागी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट और इनकी इजाजत से संघ समर्थक के तौर पर, इजाजत है ना मिस्टर रागी हमारे साथ चर्चा में शामिल रहेंगे, और कई खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जम्मू कश्मीर के नंबर्स। आप इनको कांग्रेस, मैंने कहा ना पूर्व आम आदमी पार्टी पूर्व आपियन है, पूर्व आपियन है, हमने कह दिया उनको। चलिए जल्दी से दिखा देते हैं, यही शिकायत रहती है आपको, इनको नहीं बोला उसको क्यों बोला मुझे क्यों बोला। जम्मू कश्मीर के नंबर्स बता दें आपको, सबसे पहले बता देते हैं कि पहले चरण में 61.38 लगभग आप समझ लीजिए कि 61% वहां वोटिंग हुई थी, दूसरे चरण में थोड़ा सा कम हुआ था जब 13% हुआ था, लेकिन फिर थर्ड फेज में जबरदस्त पोलिंग हुई थी, लगभग आप उसे 70% मान सकते हैं, 69.69% 70% के आसपास वोटिंग हुई थी, और कई सारे ऐसे इलाके थे जिसमें रिकॉर्ड वोटिंग वहां पर देखी गई थी। 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं ये भी याद रखिए, लोकसभा चुनाव में भी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लेकिन क्या संकेत वहां से मिलते हैं उस पर चर्चा करने के लिए आइए आपको सीधे लिए चलते हैं सुनील जी भट्ट हमारे सहयोगी इस वक्त जम्मू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सुनील जी, जम्मू के इलाके में बीजेपी दम भर रही है कि वो जो उनका 10 साल पहले वाले चुनाव में जो परफॉर्मेंस था उससे भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन कांग्रेस इस बार आश्वस्त है कि वो जम्मू में भी इस बार अच्छा करेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां कश्मीर के पूरे इलाके में ये मान रही है कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, ओवरऑल पिक्चर आपको क्या मिल रहा है? और अगर हम देखें तो रैना साहब के लिए ये एक बड़ा मौका है बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर, जो उन्होंने पूरा मोर्चा संभाला है, क्या इस बार वो चूकेंगे या कुछ किरण दिखती है उम्मीद? नमस्कार अंजना, अगर हम जम्मू संभाग की बात करें तो इस बार जम्मू संभाग ही तय करेगा कि जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर हम देखें तो वो आशावान है कि कश्मीर घाटी में उनका अच्छा प्रदर्शन रहेगा, लेकिन बहुमत के आंकड़े को शायद वो नहीं छू पाएंगे अकेले, इसीलिए उन्होंने प्री पोल गठबंधन किया कांग्रेस पार्टी के साथ। और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन की अगर हम बात करें तो इस गठबंधन का पूरा जो दारोमदार है वो जम्मू संभाग पर है कि कांग्रेस कितना अच्छा प्रदर्शन करती है यहाँ जम्मू संभाग में। जहां बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने पूरा दमखम लगाया, उनके जो स्टार प्रचारक हैं चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, देश के गृह मंत्री अमित शाह हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और साथ ही में जो बीजेपी के बड़े नेता है शिवराज सिंह चौहान है, कई बड़े नेता यहाँ आए, नितिन गडकरी आए और उन्होंने अपना यहाँ दमखम दिखाया और बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया, और बीजेपी कहीं ना कहीं इस आस में है कि वो यहां पर अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरना चाहती है। और अंजना यहां पर जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंदर रैना कार्यालय पहुंचे हैं बीजेपी के। रविंदर रैना जी, क्या लगता है आपको इस बार क्या होने वाला है, जम्मू के पास ही क्या सत्ता की चाबी रहेगी, और क्या बीजेपी को पूरा विश्वास है कि आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेंगे जो कि आपका लक्ष्य है इन चुनाव में? मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी को जनता ने सपोर्ट किया होगा, और जम्मू कश्मीर में भी अब की बार बीजेपी की सरकार, जम्मू कश्मीर में अब की बार मोदी जी की सरकार। कैसे होगी वो सरकार, क्योंकि देखिए 43 सीटें जम्मू संभाग में, आपको भी पता है कि आपको सभी सीटें नहीं आने वाली हैं, पिछली बार जो आपका परफॉर्मेंस रहा, और अगर हम खासतौर पर लोकसभा चुनाव की बात करें, जो अभी लोकसभा के चुनाव 2024 में हुए उसमें आप 29 विधानसभा क्षेत्रों में लीड कर रहे थे, अगर फर्ज कर लीजिए कि आप उतने ही सीटों पर दोबारा लीड करते हैं तो आप तो बहुमत के आंकड़े से काफी दूर है, तो ये बाकी नंबर्स कहां से आएंगे? क्या इंजीनियर रशीद के साथ जो पर्दे के पीछे कोई सांठगांठ चल रही है? पर्दे के पीछे कुछ नहीं है, अभी हम आज तक न्यूज चैनल के ऊपर जो एग्जिट पोल आने वाले हैं, मैं एक बार पहले तो हम वो देखेंगे और उसके बाद 8 आप नंबर जरूर का इंतजार करिए। लेकिन रविंदर रैना जी, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार जम्मू कश्मीर की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब, माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब और जो भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा साहब और बाकी नेताओं की रैलियों में आप स्वयं एक मुश्किल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं।